ए चिकनी चलती है क्या? ओहो गुलाबी, क्या दिख रहे लिए बंटा? ओए मोटी, क्या लग रही है तू? मैं इन लोगों से अपने आप को छिड़वा रही हूँ जबकि उच्च कोटि के नंबर वन छेड़ू तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान को काम का इनसे क्यों? ए पैसे वाले दे 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 निकल ऊपर से बदनाम पूरा आए बड़े छेड़ने वाले। नंबर टू पे पता, अभी मैं तुम्हारा जिक्र कर रहा था यहाँ पे। क्या? हाँ जिक्र। हाँ जिक्र। हाँ क्या बोल रहे थे आप मेरे? वही वो कहावत बोल रहे थे, वो नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने वो कहावत सुनी है? कौन सी? जिसका शो उसी को मुक्का। ये तो कोई कहावत नहीं हुई। नहीं ये कहावत हो सकती है। हाँ। आप अगर ऐसे भड़काऊ बातें करेंगे तो होगा ना ऑब्वियसली। तो मैंने किसको भड़काया? मुझे। नहीं क्या आपको भड़की हुई दिखाई नहीं दे रही हूँ? उबलती हुई। चलो इग्नोर इग्नोर। वैसे रितेश आफ्ताब विवेक मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो थे ना ये मरीज थे मेरे, इन्हें छेड़ना वेड़ना आता ही नहीं था, तो थोड़ा सा ऐसे छिछोरेपन का तड़का सा लगा के अगर आप मुझे छेड़ देंगे यू विल मेक माई डे। अंबर तू ना जाके ऐसे गीले हाथ करके ना बिजली की नंगी तार को छेड़, इट विल मेक अवर डे। अरे क्यों छिड़वा रही उनसे अपने आपको? कपू शर्मा आप कभी इनसे काम क्यों नहीं लेते? इनसे क्यों काम लूं मतलब? जरा विवेक से काम लीजिए। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपनी फिल्मों में जैसे मस्ती वस्ती करते रहते हैं ना बहुत सारी। पैसे में बेद हूं मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब वो मस्ती करने में आई एम नंबर वन मस्ती खोर। ये तो सही कहा इसने, मतलब ये कीचड़ देख के तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती ना, और दो मिनट के अंदर अंदर ऐसा रूप बदल दिया आप पहचान नहीं पाओगे सुअर कौन सा बंपर कौन सी। वो तो छोटी पूंछ बड़ी पूंछ देख के पता चलता है। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात हुई? मैं तो बस धूल मिट्टी साफ कर रही थी अपने हाथों से, इसके लिए भी परमिशन लूं आपकी? कमाल की बात कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ी देर चुप रहिए ना, इन्हें मुझसे मेरे साथ फ्लर्ट करने दीजिए। ये कहाँ कर रहे हैं फ्लर्ट, झूठ बोल रही हैं। अरे तो आप मौका देंगे तो फ्लर्ट करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए अपने हास्य रस को थोड़ा सा विश्राम दीजिए और यहाँ पर श्रृंगार रस को फैलने दीजिए। हाय हाय, तेरा श्रृंगार रस नहीं, तेरा वो विभत्स रस है तेरा। हैं? विभत्स रस। व्हाट इज विभत्स? सेम जैसा तूने मुंह बनाया ना ये ड्रामा। वैसे विवेक आफ्ताब रितेश मैं आपको बता दूं, मेरी हमेशा से विश रही है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड हो वो जवान हो, हैंडसम हो और डॉक्टर भी हो। अब आप ये देखिए, इत्तफाक देखिए आप कि यहाँ पर आप जवान हैं, आप हैंडसम हैं और आप फिल्म में डॉक्टर भी हैं, करेक्ट जी? तो एक साथ मेरे पूरी की पूरी सारी विशेष किस तरह पूरी होती जा रही है। नहीं देखिए कोई नहीं, आप बैठी रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बकरा हलाल। तो मैं कह रही थी कि मेरे हमेशा से एक और ख्वाब रहा है, आई हैव ऑलवेज विश्ड। नहीं नहीं आप आइए, आप इम्पोर्टेंट है आपका दिखना। तो मेरी हमेशा से ऐसी विश रही है कि हम ना एक कैंडल लाइट डिनर पे जाएं। हाँ। बिल्कुल मत जाना भाई, ये कैंडल खा जाती है, मैं बता रहा हूँ। तो कैंडल लाइट होती है, आराम से पच जाती है तो खा लेती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो धागा थोड़ा सा अटकता है, तकलीफ देता है, नो बट चलो ना अंदर से थ्रेडिंग हो जाती है। उसका सांस अटक गया, सांस, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो बताइए मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे आप लोग? तुम रेडी हो पहले बताओ। मैं रेडी? ओह अच्छा रेडी तो मैं अभी यूं होकर आ गई। तुम ना थोड़ा सा मेकअप कर लो बस, काम हो जाएगा, कोई ना कोई पड़ जाएगा इन दोनों में से। अरे एक मिनट मेकअप, वो खुद मेकअप कैसे करेगी? वो करना चाहिए मेकअप उनके लिए। हाँ अरे हेल्प करना चाहिए ना। अरे है ना रितेश की कोई ऐसी नस दब गई है कि उसके दिमाग में ना खून का प्रवाह नहीं जा रहा है। हाँ शायद ठीक है। चलिए अगर आप लोग मेरा मेकअप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेकअप का सामान तो मैं लेकर आई हूँ जी। फैंटास्टिक। मैं खुद करना चाहिए। लिपस्टिक है? हाँ है ना। बैग निकाल के इनको दे दो ना, सब कुछ लगा देंगे। आइए आप मेरा मेकअप कर, बैठ जाइए आप यहाँ बैठ जाइए। तो
Oh, very good. I'm so excited. कीजिए कीजिए. यहाँ से इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट. प्लीज घर पे जो देख रहे हैं अगर आप चाहें तो ये बंपर आपकी हो सकती है. देखिए हमारा रिश्ता भी अच्छा रहेगा. मैं लाऊंगी सुख, आप लाएंगे चैन. कुछ ये निकाल के मुझ पर फेंकना चाहेंगे? फेंक दीजिए. देखिए चैन खींचने से आदमी रुक जाता है यहाँ. चलिए रहने दीजिए. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने खुद अपने हाथों से मेकअप करके ना हो. अरे अपने हाथों से आपने मेकअप किया, अपने हाथों से शीशा भी दिखा दो. दिखा दो, दिखा दो भाई. थैंक यू सो मच. बड़ा फूल बनाया है इसे. फूल आप लोगों को शर्म. अरे बहुत बड़ी बात है.